Hey my dear friends, how are you? Hope you are doing good, absolutely fine. So, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? Why I am looking so tired? तो आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? आज मैं जा रहा हूँ लोहार चौक. और वहाँ पे जाने का ये मकसद है क्योंकि अभी गणेश फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है और दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज ऑफ गणेश फेस्टिवल. सो ये आगे वाले जो व्लॉग्स आएंगे ना वो गणेश फेस्टिवल के लिए होंगे. तो हर छल में ना बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं, तो गणपति के लिए स्पेशल है. बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन मैं जा ही रहा हूँ तो सोचा कि एक वीडियो बना ही लूँ उसके ऊपर ताकि आपको भी पता चले कि आप कहाँ से वो खरीद सकते हैं. चलिए स्टार्टेड. सिर्फ मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बारिश ना आए क्योंकि बारिश आए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि भीग जाएगा मेरा कैमरा और ये माइक भी. और ये बहुत कॉस्टली है. मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बारिश में मैं शूट नहीं करता. लास्ट टाइम जो मेरा 15 अगस्त का ब्लॉग था इंडिया स्पेशल का, अगर आपने देखा नहीं होगा तो ये आई बटन पर आपको दिख जाएगा, वो भी देख लेना. तो तब बारिश हो रही थी. ओ बच गया मैं. ये तो ऑलमोस्ट मुझे कुचलने ही वाला था. ओके तो बारिश हो रही थी पर फिर मैंने बहुत मुश्किल से वो शूट किया है. वो यू नो 6 मिनट का आपको वीडियो दिख रहा होगा, यू नो करीब करीब 4 घंटे शूट किया तब जाके वो 6 मिनट का बन पाया क्योंकि बारिश इतना परेशान कर रही थी पूछो मुझे. तो अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं लोहार चाल. उसके पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ. तो फर्स्ट टाइम मैं मस्जिद बंदर से आया हूँ. जब लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं आया था CST स्टेशन से. अगर आप वेस्टर्न लाइन में रहते हो या वेस्टर्न ट्रेन रेलवे से ट्रैवल करते हो तो इसका नज़दीकी स्टेशन मैं बता देता हूँ, ये है मरीन ड्राइव. सो मरीन ड्राइव से आपको लगभग 15 मिनट्स लगेंगे लोहार चाल पहुँचने के लिए. और वैसे ही मस्जिद बंदर से 11 या 12 मिनट लगते हैं आपको लोहार चाल पहुँचने में. सो वॉकिंग डिस्टेंस राइट. पापा भी दिख रहे होंगे आपको. और ये है कोलाबा पुलिस लाइन का विघ्नहर्ता. लास्ट टाइम में भी मैं यहाँ पे गया था. एवरी टाइम जब हम साउथ में हमारा विजिट होता है, जब हम फ्रेंड्स नाइट आउट के निकलते हैं ना, तो हम विघ्नहर्ता को ज़रूर जाते हैं. गणपति बाप्पा मोरिया. तो हम लोहार चाल पहुंच गए हैं और अगर शॉर्टेस्ट आपको रास्ता चाहिए तो अपोजिट मेरे है क्रॉफर्ड मार्केट. सो क्रॉफर्ड मार्केट के अपोजिट में आपको माय ब्रदर इज़ एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही इज शोइंग मी द वे इनसाइड बिकॉज इट इज़ टू मच क्राउडेड क्योंकि नेक्स्ट मंडे गणेश चतुर्थी है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में. और आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज़ रियली टू मच ब्यूटिफुल. एक्चुअली इतना क्राउडेड है कि मैं अपनी शूटिंग नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं आपको ना कैमरे के उस साइड से दिखाता हूँ. आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है.
अभी मैंने ये माला ले ली है, मैं आपको दिखाता हूँ, और उसकी कॉस्ट है 150 रुपीज़ पर पीस। तो मैंने ऐसे 4 माला ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 4 मालाएं ली है जिसकी कॉस्ट होती है 600 रुपीज़, लेकिन हमें देख के चाचा ने बोला ले लो 500 रुपीज़ में। वैसे तो कभी मैं तो बोलता हूँ कि आप जब आओ जाओ ना कभी किसी शॉपिंग के लिए तो बार्गेनिंग ज़रूर करना, इट इज़ मस्ट। और मुंबई में है तो मस्ट ही है, बार्गेनिंग करो, लेकिन मुझे कोई भीख नहीं डालता। मैं ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने 600 रुपये की माला 500 रुपये में ले ली है, मुझे लगता है उससे भी कम मिल जाती, लेकिन अगर आपको चाहिए ना यहाँ पे खुली जो फ्लावर्स है वो भी मिल जाते हैं लाइक 5 और 10 रुपए में एक, तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे तो मैंने ये खरीदा है क्योंकि डेकोरेशन के लिए भी ये लगता है, लास्ट टाइम भी मैंने खरीदा था, तो अभी इसका भाव है 60 रुपया डजन, तो फिर मैंने 50 में ले लिया। आणि माझी फ्रेंड भक्ती, आणि हे भक्तीचे मिस्टर, ऍक्च्युली कोइन्सिडन्स से मिल गए है, मुझे पता नहीं था लेकिन बहुत अच्छा लगा भक्ती तुझसे मिलके। कैसी हो भाई बाकी? पता कैसा है? ठीक हो? मस्त मस्त हूँ। क्या शंबर ला दो रे, शंबर ला दो। तो मैंने ये चौबस है वो ले लिए 50 रुपये में एक। मैं सोच रहा हूँ कि ये ले लूँ, ऐसा बोल रहे 100 रुपीज, अभी देखता हूँ ठीक है कितना कम हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ लेने हैं इसमें से क्योंकि एक अच्छा नहीं लगेगा, तो और तो मैं ये खरीद रहा हूँ। मैंने ऐसे 4 ली है, ये ब्लू में है और ये वाइट में है, और अभी थोड़ा कम कर दो ना, 4 ली है कम कर दो ठीक है, 350 रुपये। अच्छी लग रही है ना, कैसे लग रही है? तो मैं ये गली के अंदर आ गया हूँ,
और ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे सभी फ्लावर्स दिखेंगे आपको, यहाँ भी, यहाँ पे भी। और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला खरीदूँ, ये, और ये थोड़ा सा पिंक है, मैंने इसमें से ख़रीद लिया है पहले, तो देखता हूँ इसमें से मुझे अच्छा लग रहा है। ये शॉप दिखाता हूँ मैं आपको ऐसे। तो अभी मैंने ये गेंदा फूल ले लिया है और इसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़। मैंने इसमें छोटे भी लिए हैं जिसकी कॉस्ट है 60 रुपीज़, पर ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि ये रियली गेंदा फूल है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, एक सैम्पल वो कैसा लगता है। तो मैंने ये मालाएं भी ले ली है, अभी इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। और ये कितने फीट की होगी? 5 फीट ना, तो ये 5 फीट की है। कैसे लग रही देखो। हंड्रेड रुपीज़ डजन है, देखता हूँ। अच्छा लग रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, इट वाज टू मच क्राउडेड, बट आई हैव डन विथ माय शॉपिंग। और हमने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया है, मैं और मेरा भाई है। वी डोंट वांटेड टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट नाउ टाइम टू लीव दिस प्लेस, बिकॉज ये और ज़्यादा क्राउडेड हो रही है। सो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। ये था फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम गणपति सीरीज़, और ऐसे ही मैं व्लॉग गणपति सीरीज़ के अभी बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट कुछ व्लॉग आपको विसर्जन तक ऐसे मिल जाएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दिस वीडियोस, और अल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि हम एवरी वीक नया कुछ कुछ लाते हैं, नए वीडियोस लाते हैं। देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। जो लोग नए हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो, हमें हेल्प हो जाता है। और लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेक श्योर दैट टू कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा और आप शॉपिंग कर रहे हो क्या। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई एम अभिषेक, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।